जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बोले जी की जय। बोले जी की। हाँ जी बताइए मैडम जी। हाँ हमारे अहमदाबाद से हम बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अहमदाबाद से बोल रहे हैं। हमारे अहमदाबाद पहली बार जा सकते हैं तो कैसे? हाँ। जा सकते हैं हम लोग? जा सकते हैं। उसमें उम्र का है 13 साल से छोटा बच्चा। हाँ। और 75 साल से ऊपर नहीं जा सकते हैं। आपकी कितनी उम्र है? 35 बरस। 35 बरस। हाँ हाँ 35 बरस वाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए ना अमरनाथ जी यात्रा जो होती है वो अपनी जुलाई में होती है, 28 जून से स्टार्ट होती है और अगस्त तक चलती है, रक्षाबंधन तक। जैसे इस बार रक्षाबंधन 17 अगस्त का है ना। हाँ। तो जब तक चलने का उम्मीद है, लेकिन इस बार जो अभी अमरनाथ जी यात्रा की अभी डेट नहीं आई है, तो डेट आने के बाद ही डिसाइड होगा कि यात्रा कब से कब तक चलेगी। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल कराना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे फिर बाद में ही होंगे, डेट आने के बाद ही। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक। तो मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और आपको ना उससे रिलेटेड वीडियो भेज देता हूँ। हाँ। और जैसे ही मेडिकल ये डेट आएंगी मैं आपको नंबर भेज दूंगा, जो भी अपडेट होगा आपको बता दूंगा। जब तक आप वीडियो देख लीजिए पूरी यात्रा का, उसके बारे में है जो भी आपके मन में, आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपके मन के जितने भी सवाल हैं सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं कॉल पे बताऊंगा तो बहुत लंबी यात्रा है, 7-8 दिन की यात्रा होती है ना, तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा आपको ना। ठीक है? तो मैं आपको कुछ वीडियो भेज देता हूँ और जैसे ही यात्रा की डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? और जाने वाले थे भाई, कोरोना के हिसाब से नहीं जा सके। हाँ पिछली बार सभी के साथ ऐसा हुआ, तो इस बार जो भी अपडेट आएंगे ना हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है जी? हाँ ठीक है। यह नंबर व्हाट्सएप पे है ना आपका? हाँ, मैं सेव कर रहता हूँ, कुछ वीडियो भेजता हूँ वो जरूर देख। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।